हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीफूड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य के बारे में। तो गाइस, कुंडली भाग्य की जो जनरेशन लीप के बाद वाली कहानी चल रही है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल चल रही है काफ़ी ज़्यादा महीनों से, बिकॉज जी टीवी के टॉप परफॉर्मर्स में से ये सीरियल हमेशा ही रहा है। और अपने दूसरे सिस्टर शो कहें जो कि है कुमकुम भाग्य, उससे भी बेटर परफॉर्मेंस हमेशा इससे ये लेकर आता है, यानी कि एटलीस्ट नियर पास्ट में। तो और रिसेंटली सीरियल की टीआरपी में इस हफ्ते हमें काफ़ी बढ़िया इंक्रीज़ देखने को मिला है। वैसे पिछले हफ्ते भी शो की टीआरपी बढ़िया ही थी, जो कि थी 1.7, और इस हफ्ते इंक्रीज़ होकर हो गई है 1.8 की टीआरपी। तो कुंडली भाग्य में काफ़ी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं डेली, और उसी के चलते हुए टीआरपी में सिग्निफिकेंट राइज भी देखने को मिल रहा है। और शो की टीआरपी जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन हाँ, बढ़ तो ज़रूर रही है और जी टीवी के बेस्ट परफॉर्मर सीरियल में से भी ये बना हुआ है। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही टीआरपी बढ़ती रहती है तो 1.9 या फिर 2.0 के करीब तो आ गया है, लेकिन वहाँ भी पहुँच सकता है अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट ऐसे ही बना रहे और आने वाले एपिसोड्स में और भी जनता इस शो से जुड़ती रहे। लेकिन 2.0 को टच करना कोई ईजी बात नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पर। कॉम्पिटिशन कम तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इधर उधर दूसरे चैनल्स पे भी इनको फेस करना पड़ता है। पर जो भी है, जी टी वी के हिसाब से टीआरपी शो काफ़ी बढ़िया लेकर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप इस शो के फैन हैं, आपको रीसेंट वाले एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं, क्या सजेशन होगी आपके सीरियल के मेकर्स के लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे। एंड सारी अपकमिंग कुंडली भाग्य की न्यूज़ एंड जी टी वी की टीआरपी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।